अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, सितंबर 2022 का इस्लामिक कैलेंडर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको सितंबर महीने की फुल डिटेल्स बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि उर्दू का कौन सा महीना चल रहा है, आज उर्दू की क्या तारीख है, हिजरी क्या चल रही है, बंगला का कौन सा महीना चल रहा है, और सितंबर के महीने में औलिया अल्लाह का उर्स कब है, किन की पैदाइश कब हुई है, और शहदाए करबला का चहल्लुम कब है, रबीउल अव्वल का चांद कब दिखेगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि सितंबर के महीने में शादी ब्याह के लिए कौन सी तारीख बेहतर है। अगर आप सितंबर के महीने में शादी वगैरह करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। हम आपको वो दिन वो तारीख बताएँगे जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ शादी कर सकते हैं। और अगर ये इस्लामिक कैलेंडर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर लिखें, हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, 1 सितंबर जुमेरात का दिन पड़ रहा है और उर्दू का जो महीना चल रहा है वो सफ़र का महीना चल रहा है, यानी 1 सितंबर को सफ़र की 4 तारीख हो रही है और हिजरी जो चल रही है वो 1444 हिजरी चल रही है, और बंगला का जो महीना चल रहा है वो भादो का महीना चल रहा है, यानी 1 सितंबर को भादों की 15 तारीख हो रही है। और इस लाइन में आप देख सकते हैं कि औलिया अल्लाह का उर्स कब है, किन की पैदाइश कब हुई है। मैं सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता, मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि 17 सितंबर बरोज़े सनीचर को चहल्लुम है शहदाए करबला का, और 27 सितंबर बरोज़े मंगल को रबीउल अव्वल का चाँद दिखेगा। अब आइए मैं आपको बता दूँ कि सितंबर के महीने में शादी ब्याह के लिए कौन सी तारीख बेहतर है। तो 1 तारीख को आप शादी कर सकते हैं, 2 तारीख को ना करें, 3 को ना करें, 4 को ना करें, 5 को ना करें, 6 तारीख को आप शादी कर सकते हैं, 7 को ना करें, फिर 8 तारीख को कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 11 तारीख को शादी कर सकते हैं, फिर 12 को ना करें, 13 को आप कर सकते हैं, 14 को ना करें, 15 को ना करें, फिर 16 तारीख को आप शादी कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 18 को कर सकते हैं, फिर 19 को ना करें, 20 को आप शादी कर सकते हैं, फिर 21, 22 और 23 तारीख को शादी ना करें, फिर 24, 25 और 26 को आप शादी कर सकते हैं, 27 और 28 को ना करें, 29 तारीख को आप शादी कर सकते हैं, 30 तारीख को ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से मैंने आपको सितंबर महीने की फुल डिटेल्स बताई, पूरी जानकारी आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ।